नमस्कार, टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। देखिए, बता दें कि कल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर लिखी बुक का लोकार्पण किया और इस लोकार्पण में तमाम जितने भी दल थे महागठबंधन सरकार के, वो तमाम नेता शामिल हुए। इसी कड़ी में कल बिहार के शिक्षा मंत्री यानी चंद्रशेखर भी वहाँ मौजूद हुए और जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तब मीडिया ने उनसे शिक्षकों के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो नए नियम लाए गए हैं उस पर उन्होंने सवाल किया और कहा कि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक इस पर आपने कोई भी प्रतिक्रिया आपने क्यों नहीं दी है? तो इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो सरासर गलत है। हम शिक्षकों के हित में ही ये कानून लाए और शिक्षकों को ये बात समझनी होगी कि ये जो कानून लाया गया उनके हित में है। जहाँ तक बात रही है दूसरे राज्यों के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके नियुक्ति की, तो हम उन्हें बता दें कि उन्हें बिहार के लिए कोई भी स्पेशल आरक्षण नहीं मिलने वाला है। जहाँ तक बात रही आरक्षण की, तो हाँ, बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको ध्यान में रखा गया है और 60% आरक्षण जो है उन्हें दी गई है। और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी हमला बंद हुए और बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी की ये रणनीति है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो वादा करती है करोड़ों को नौकरी देने की, लेकिन अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं दी है और इस बाबत में कहीं ना कहीं उन्हें युवाओं को अपने राजनीति के चक्कर में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। पहले आप ये सुनिए कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। अभी अभी आप लोग किताब के, एक अच्छी किताब के लोकार्पण में आए हैं कि फिर दूसरे काम में आए? बिहारी युवाओं का भरोसा है। एक चीज बताइए, जिनको 18 करोड़ देना था भाईजान, वो करोड़ों लोगों की नौकरी ले लिया, आखिर कौन लोग गए हैं न्यायालय में? न्यायालयी वादों में फंसा करके नियुक्ति को जो रोकना चाहते हैं वही तत्व हैं इस काम में लगे हुए हैं। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं 1,75,000 या 78,000 उन्होंने 2 लाख के आसपास बहाली है, 1,60,000 बच्चे हमारे आएंगे, चिंता मत करो। मैंने ये कब कहा? हर जगह की नीति है। मेरा ये कहना है कि जो तत्व न्यायालय वादों में गए हैं उसकी मंशा क्या है? नियुक्ति रोकने का। लोग को ईर्ष्या है, इसमें बीजेपी शामिल है कि भाई 1.25 लाख लोगों की नौकरी होगी, सीधे शिक्षक भर्ती होंगे, उन लोगों से सवाल करिए ना, 18 करोड़ का क्या हो गया? आपने खोल दिया ना? नहीं, आपने कहा भैया, जब लाखों लोगों की नियुक्ति का हम रास्ता खोल रहे हैं तो आप न्यायालय वादों में फंसाना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है कि आरक्षण को लगा करके कम से कम 60% बच्चे तो सीधे आरक्षित होंगे और फिर आगे के जो सीट है उसमें 80-90% हमारे बच्चे आएंगे, तो 1.25 लाख में 1,60,000 के आसपास हमारे बच्चे आएंगे। लोगों को तैयारी में लगनी चाहिए। देखिए, शिक्षा मंत्री ने अभी बयान दिया था कि बिहार में इतने हुनहार या काबिल शिक्षक नहीं है गणित के लिए, विज्ञान के लिए और अंग्रेजी के लिए, इस वजह से हमें राज्य भर में ये नियुक्ति करनी पड़ी, राज्य भर से तमाम शिक्षकों को लाना पड़ रहा। इसी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहारी हमेशा से आगे रहे हैं, तो फिर आखिर बिहार को पीछे करने का काम चंद्रशेखर क्यों कर रहे हैं? आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार को पीछे ले जाने की कवायद क्यों कर रहे हैं? इसी कड़ी में बता दें कि चंद्रशेखर ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की तो हमेशा से रणनीति रही है कि लोगों को अदालत के दाव पेचों में फंसाकर पीछे करने का, और जहां तक बात रही है शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए, तो फिर से बीजेपी जो है अपने अदालत के दाव पेच कर रही है ताकि फिर से इनकी नियुक्ति टल जाए, क्योंकि अभी 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होनी है। लेकिन इस पर बीजेपी अपना खेल खेल रही है, एक तरफ तो ये दिखा रही है कि हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसे अदालत में उस किस्से को ले जा करके उनके नियुक्ति पर फिर से एक बार रोक लगाने की कवायद जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल हमारे रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ।